नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 26 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनकर हुए तैयार। बिहार के 31 जिलों की 400 बस्तियों में स्वास्थ्य मेला आज से शुरू। हर बुधवार 3 महीने तक 2,41,210 बच्चों को बिहार सरकार देगी दूध। बिहार बीएड में आवेदन के लिए कल से खुलेगा पोर्टल। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बिहार में फिलहाल राहत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 26 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनकर हुए तैयार। बिहार के लगभग 26 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, लेकिन सूबे में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कम होने से चार्जिंग स्टेशन विधिवत रूप से चालू नहीं हो पा रहे हैं। सासाराम जिले में सबसे अधिक 9 चार्जिंग स्टेशन लग चुके हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 8, पटना में 5, पूर्वी चंपारण में 6, सुपौल में 6 और समस्तीपुर में 6 चार्जिंग स्टेशन है। राहत की बात यह है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर की 2 दूसरी पेट्रोलियम कंपनियों का सूबे में 150 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम पूरा हो चुका है। इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सूबे में 75 चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर चुकी है। बिहार के 31 जिलों की 400 बस्तियों में स्वास्थ्य मेला आज से शुरू। बिहार के 31 जिलों की करीब 400 बस्तियों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन रविवार को शुरू हो गया है और इस मेले में घर के समीप डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित जिलों के सिविल सर्जनों को बस्तियों में स्वास्थ्य मेला लगाने का निर्देश दिया है। इस मेले में सभी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक और मेडिकल के छात्र और छात्राएं भी शामिल होंगी, जिसके तहत आज दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बेगूसराय, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, मधेपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, पटना, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, अरवल, गया, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। सभी सिविल सर्जन को अपने जिले के वॉलंटियर से संपर्क कर उनसे समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। 5 दिन बाद लौटी पछुआ से लोग परेशान। बिहार में गर्मी का सितम एक बार फिर से बढ़ गया है। पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर जिले फिर से भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि उत्तर बिहार में मौसम सामान्य बना हुआ है। 5 दिन बाद फिर पछुआ के प्रवाह से शनिवार को राज्य के 14 जिलों में अधिकतम पारा 40 के पार रहा। पटना में भी भीषण गर्मी और लू की स्थिति रही। मौसमविदों का कहना है कि फिर से दक्षिण बिहार में पछुआ का प्रवाह बढ़ गया है, जिससे भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। इन जिलों में एक हफ्ते पहले अधिकतम पारा इस सीजन में सर्वाधिक स्तर पर पहुंचा था। पछुआ के प्रवाह से 26 और 27 को राज्य के 17 जिलों में उष्ण लहर यानी कि लू का अलर्ट जारी किया गया है। हर बुधवार 3 महीने तक 2,41,210 बच्चों को बिहार सरकार देगी दूध। बिहार की नीतीश सरकार अब बच्चों को दूध मुहैया करवाने वाली है। एईएस से बचाव के लिए 2,41,210 बच्चों को हर बुधवार को 3 महीने तक दूध बिहार सरकार देने वाली है। जिले के एईएस प्रभावित 6 प्रखंडों में ये व्यवस्था की गई है। इसके लिए इन प्रखंडों में 1.5 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई। इस बार नई व्यवस्था के तहत स्कूल प्रभारी बिक्री केंद्र के प्रभारी को सीधे खाता में भुगतान करेंगे। कैशलेस भुगतान की प्रक्रिया होगी। कुल नामांकित बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलना है। इस दौरान प्रधानाध्यापक द्वारा दूध प्राप्त कर उसकी रसीद बिक्री केंद्र से प्राप्त कर पीएफएमएस वेब पोर्टल पर पीपीए एडवाइस जनरेट कर केंद्र प्रभारी को खाता के माध्यम से भुगतान करेंगे। बिहार बीएड में आवेदन के लिए कल से खुलेगा पोर्टल। बीएड में एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। राज्य भर के सरकारी और निजी बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन होने वाला है। बीएड कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार से पोर्टल खुल जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन में 1,000 रुपए देना होगा। इसके लिए राशि ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 17 मई है। 18 से 21 मई तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। 9 जून को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। वहीं 23 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। राज्य भर में करीब 330 कॉलेज में 35,000 के आसपास सीटें हैं। एनेस्थीसिया के आधे पद खाली, ऑपरेशन की बढ़ रही तारीख। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनेस्थीसिया विभाग में डॉक्टरों की कमी से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल बिहार की राजधानी पटना के सरकारी अस्पतालों का है। इसके चलते कई विभागों में ऑपरेशन की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। हड्डी रोग, सर्जरी, स्त्री और प्रसूति रोग को लेकर इमरजेंसी तक में एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ चिकित्सकों की जरूरत पड़ती है। पीएमसीएच, एनएमसीएच में इस विभाग में प्रोफेसर से लेकर सीनियर रेजिडेंट के आधे से ज्यादा पद खाली है। आलम कुछ यूं है कि समय पर ऑपरेशन नहीं होने से मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार कश्यप ने बताया है कि एक साथ कई विभागों में ऑपरेशन चलते हैं, वहां एनेस्थेटिक की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कई बार डॉक्टरों की कमी से थोड़ी मुश्किल जरूर होती है। प्रारंभिक शिक्षकों के 50,000 पद रह गए रिक्त। बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 91,000 पदों पर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी 50,000 से अधिक पद खाली रह गए हैं।
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार शिक्षा विभाग को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, वो भी तब जबकि छठे चरण के तहत नियोजन प्रक्रिया 34 महीने से चल रही है। 4 बार योग्य अभ्यर्थियों के चयन को काउंसलिंग हो चुकी है। जुलाई और अगस्त 2021 फरवरी 2022 में हुई काउंसलिंग के अलावा हाल ही छूटी हुई नियोजन इकाइयों में चयन का विशेष चक्र हुआ। 90,762 पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के तहत अब तक महज 40,000 की नियुक्ति पत्र बांटे जा सके हैं। उत्तर बिहार जाने के लिए गांधी सेतु पर निर्भरता होगी खत्म। आने वाले समय में उत्तर बिहार जाने के लिए गांधी सेतु की निर्भरता आम लोगों की अब खत्म होने वाली है, क्योंकि हर दिन हाजीपुर सोनपुर जाने के लिए गांधी सेतु के जाम का सामना करने की समस्या अब खत्म होने की उम्मीद है। मीडिया में चल रही जानकारी के अनुसार राज्य सरकार अगले महीने से अटल पथ और जेपी सेतु के रास्ते पटना से सोनपुर हाजीपुर के लिए 50 बसों का परिचालन शुरू करने जा रही है। अटल पथ से बस सेवा शुरू होने पर पटना सोनपुर और हाजीपुर के 50 से अधिक मोहल्लों के लोगों को सुविधा मिलेगी। बताया गया है कि मई महीने के अंत तक ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जिला जज होंगे अनुशासनात्मक अधिकारी। बिहार के अब जिला जज अनुशासनात्मक अधिकारी होने वाले हैं। लंबे समय से इंतजार किए जा रहे बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति, प्रोन्नति, तबादला और अन्य सेवा शर्त नियमावली 2022 को मंजूरी देते हुए बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 अप्रैल 2022 को अधिसूचित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नियमावली बनाई और अधिसूचित की गई है। नए नियम में कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, वित्तीय प्रगति, तबादला, अनुकंपा आधारित नियुक्ति और कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया में तेजी आएगी। नए नियम के तहत अब जिला जज को नियुक्ति के साथ ही नए अनुशासनात्मक अधिकारी भी बनाया जाएगा। इस प्रकार के सभी मामले अब जिला जज के स्तर पर ही निपटाए जाएंगे। इसके पहले पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक नियुक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चुके थे। सीबीएसई की टर्म 2 परीक्षा में 10वीं और 12वीं में इतने सवालों में मिलेंगे विकल्प। सीबीएसई की टर्म 2 की परीक्षा का आयोजन होने वाला है। राहत की बात यही है कि इस टर्म 2 की परीक्षा में अभ्यर्थियों को इस बार विकल्प मिलने वाले हैं, जिसकी पूरी जानकारी बीते दिन सीबीएसई की तरफ से साझा की गई है। सीबीएसई की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 10वीं में अधिकतम 30% सवालों में विकल्प रहेगा, वहीं 12वीं के विषयों में 25% सवाल विकल्प वाले होंगे। कुछ सेक्शन के सवाल बिना विकल्प वाले भी होंगे। जानकारों की माने तो विकल्प वाले प्रश्नों से सहूलियत होगी। रसायन की शिक्षक आभा चौधरी ने बताया है कि विकल्प वाले प्रश्न से छात्रों को फायदा होगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि कई सेक्शन में विकल्प बढ़ाए गए हैं। बिहार का बेंगलुरु बनेंगे ये 4 शहर। बिहार के 4 शहर जल्द ही बैंगलोर की तरह आईटी हब के रूप में तैयार नजर आने वाले हैं। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जहां सरकार आईटी पॉलिसी बना रही है, वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर में कार्यरत कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित भी कर रही है। इसके मद्देनजर दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और बक्सर में आईटी हब की स्थापना के लिए प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। वहीं अब तक 819 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव मिले हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि विभाग के स्तर से निवेश के लिए प्राप्त प्रस्तावों का अध्ययन कराया जा रहा है। पहले चरण में 4 आईटी हब की स्थापना करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार आगमन और यहां आकर दिए गए बयान पर अब तेजस्वी ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत आज मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह जी कल जिस धरती पर विजय उत्सव मना रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे, वहां थाने में कुंवर सिंह के प्रपौत्र की जान ली गई थी और अभी तक उनकी पौत्रवधू न्याय के लिए चीख चीख कर गुहार लगा रही है। उन्हें भी याद रखना चाहिए कि आप अभी किसी तरह का राज है और किस तरह का हाल बिहार का बना हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने सोचा था कि अमित शाह बिहार आएंगे तो 19 लाख रोजगार का जो वादा किया था उस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ बोले नहीं। विजय उत्सव पर भाजपा ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, तो राजद ने उठाया सवाल। बीते दिन वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव के मौके पर जहां एक तरफ भाजपा ने रिकॉर्ड बनाया था, वहीं दूसरी तरफ राजद अब इस पर पलटवार करते नजर आए हैं, जिसके तहत ही वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम के मौके पर 177,900 राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जिसमें शामिल हुए थे। इस प्रकार इसके साथ ही करीब 57,000 पाकिस्तानी झंडा लहराने का विश्व रिकॉर्ड जो टूटा था उस पर ही अब राजद ने भाजपा के विजय उत्सव पर सवाल उठाए हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा वास्तविक मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। देश में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड बनाकर अपना पीठ थपथपाने में पार्टी नेता पीछे नहीं है। प्लेऑफ और एलिमिनेटर की तारीख और वेन्यू तय। आईपीएल 2022 के प्लेऑफ मुकाबले में 100% दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। इसकी पुष्टि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कर दी है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो सामने आई है कि 24 से 28 मई के बीच महिला चैलेंजर्स खेला जाएगा। कोलकाता और अहमदाबाद में खेले जाएंगे प्लेऑफ के मुकाबले। इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े एक प्रमुख विकास में प्लेऑफ और एलिमिनेटर मैच 24 और 26 मई में कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि दूसरा प्लेऑफ और फाइनल 27 और फाइनल 29 मई को अहमदाबाद में खेले जाएंगे। इन मैचों में स्टेडियम में दर्शकों की पूरी मौजूदगी होगी। सौरभ गांगुली ने कहा है कि जहां तक पुरुषों के आईपीएल नॉकआउट चरण में मैचों का संबंध है, तो ये कोलकाता और अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इसमें 22 मई को लीग चरण के समापन के बाद खेले जाने वाले मैच के लिए दर्शकों की 100% उपस्थिति की मंजूरी होगी।
देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बिहार में फिलहाल राहत। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2593 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सक्रिय मामले 15,873 है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हालत खराब होती जा रही है, जहां एक बार फिर कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल मिलाकर 4 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ही बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 16 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें बक्सर, नालंदा में 1-1 और पटना में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 96,549 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 3 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय, बबलू कुमार, शंकर मुखिया, महेश कुमार यादव, आकाश यादव, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, धीरज कुमार, नुल्लू कुमार, राजेश यादव, सुनील कुमार सिंह, स्नेहा सिन्हा। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने में बिहार सरकार सफल हो पाई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।